हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में, आज के इस डे 8 पे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट माइंडसेट। और जो बुक हम रीड करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसकी समरी लेने जा रहे हैं, वो है कैरल ड्यूक की एक शानदार बुक माइंडसेट से रिलेटेड। कैसे हम हमारे माइंडसेट को एक प्रॉपर ग्रोथ माइंडसेट में कैसे कवर कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन पर अनसक्सेसफुल पर्सन इज अबाउट माइंड सेट। देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सन आर विद फिक्स्ड माइंड सेट, ठीक है। तो ज्यादातर लोग रहते हैं ना, एक फिक्स्ड माइंड सेट रहता है, वो अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, और वो उस तरीके से उन चीजों को कर भी नहीं पाते। वो प्रूव करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और सेकेंड, जो पर्सन रहते हैं विद ग्रोथ माइंड सेट, वो चीजों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस बुक में बताऊंगा। और ठीक है, और जी देखो, फर्स्ट वीक में हमने अबाउट बेसिक थिंग्स थी जो सक्सेस के रिगार्डिंग थी, एक्शन लेना, एक्शन के ऊपर बेस्ड थी, मैसिव एक्शन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें जो भी पैसे से रिलेटेड थी, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। अब सेकेंड वीक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो सेकेंड वीक स्टार्ट होने वाला है डे 8 से लेकर डे 14 तक, तो हम उसमें बात करने वाले हैं माइंडसेट से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, और हम जस्ट कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जो हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक करके सारी बुक को रीड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं आगे कौन कौन सी बुक भी आने वाली है, ठीक है। तो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, बस एक मिनट लगेगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है। पहले जैसे कि आज हम बात करने वाले माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, डे 9 पे हम बात करेंगे मैजिक ऑफ थिंकिंग, बिग थिंकिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद 48 लॉ ऑफ पावर डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बात करेंगे। तो ये सारी बुक्स को अभी हम आगे चल के रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। जो इस बुक के 3 मेन टेक अवे हैं, माइंडसेट बुक के 3 टेक अवे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, स्किल कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू एफर्ट। चीजें सीखी जा सकती हैं मेहनत करके, चीजें सीखी जा सकती हैं मेहनत करके। ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोडिंग नहीं आती, या फिर पर्टिकुलर फील्ड में आप कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, ठीक है, तो अगर आपको वो चीजें नहीं आती, तो अगर आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आप उन चीजों को सीख पाओगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। और आप सोचते हो कि आप एक टैलेंटेड पर्सन नहीं हो, तो ये सोचना बंद करो, क्योंकि टैलेंट डेवलप भी किया जा सकता है। अगर आप मेहनत करोगे, चीजों को सीखोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो बचपन से टैलेंटेड हो, कुछ होते हैं रेयर केस, बट ज्यादातर जो भी आप लोग मिलेंगे, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन हो, वो छोटे से चीजें नहीं सीखते, वो एनवायरमेंट में चीजें सीखते जाते हैं, ग्रोथ माइंड सेट डेवलप करते हैं, पर उसको चीज उस पर चीजें सीख जाते हैं। अगर एक फिक्स्ड माइंड सेट वाला बंदा रहता है ना, वो सिर्फ फिक्स्ड माइंड सेट में रह जाता है, एक जॉब की सोच के रह जाता है, एक पर्टिकुलर चीज की सोच के रह जाता है, और उसी में वो आपका अपना जीवन व्यतीत कर देता है, वो कुछ नई चीजों पर सीखने पहुंच नहीं कर सकता। पीपल विद द ग्रोथ माइंड सेट थ्राइव ऑन चैलेंजेस, ठीक है। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग रहते हैं ना, वो चीजों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और चैलेंज जो भी रहते हैं उनकी लाइफ में, उनको थ्राइव करते हैं उनपे, और उनको अचीव भी करते हैं, और उनको सक्सेसफुली अचीव भी करते हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी टारगेट है, ठीक है। और द फिक्स्ड माइंडसेट रहता है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर नहीं सकता, फिक्स्ड माइंडसेट ये रहता है, ठीक है। भाई ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि आई कैन डू इट येट, अगर अभी तक नहीं कर पाया, मैं अभी तक नहीं कर रहा, बट आगे कर लूंगा, ठीक है। और अब हम बात करने वाले इस बुक के 5 आइडिया जो आपको सीखने चाहिए, ठीक है। जो मैं 5 जो आइडिया है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो मैं आपको इस बुक के आइडियाज को बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, द बी यू यू एडॉप्ट फॉर योर सेल्फ इज प्रोफाउंडली इफेक्ट द वे यू लीड योर लाइफ। जिस तरीके से आप इस दुनिया को देखते हो ना, उस तरीके की चीजें आपकी माइंडसेट को, आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो उसको आपको जिस तरीके की दुनिया देखते हो ना, जैसे कि आपने एक संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी होगी, जिसमें वो अलग अलग
तराई के चश्मे, गोगल्स रहते हैं ना चश्मे, वो सबको बांटता है, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को गुलाबी, ठीक है। तो वो उसमें देखते हैं ना, तो हर एक बंदे को अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो सेम विथ एवरी पर्सन, जो जिस तरीके का आप अपनी नजरों का आप चश्मा लगा रखे हो, ठीक है, उस तरीके का आपको चीज दिखते हैं। अगर आपका नीले कलर का चश्मा है तो नीले कलर की चीज दिखेंगी। तो इसको देखो, जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो ना, तो उस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करते हो, तो वो आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट भी करता है। तो आप उस आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप फिक्स माइंडसेट वाले हो, तो उसको आप ग्रोथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दैट बिलीविंग दैट योर क्वालिटीज आर कार्व्ड इन स्टोन, ठीक है। आप हमेशा ही आपकी क्वालिटी रहती है ना, एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा रहता है ना, क्रिएट एन अर्जेंसी टू प्रूव यू और योर सेल्फ ओवर एंड ओवर, हमेशा वो एक ही झंझट में फंसा रहता है। फिक्स माइंडसेट, वो आगे एक चीज सीखने में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। वो अपने आप को प्रूव करने में, अब बार बार अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता है, 10 जनों के लोगों के सामने प्रूव करने में, अरे मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, अरे मुझको अच्छे से मार्क लाना है, मेरे लोगों को प्रूव करना है। और भाई एक ग्रोथ माइंडसेट बंदा वाला अंदर रहता है ना, तो मैंने चीजें सीखी, मुझे रिजल्ट मिला, और मैं और अच्छे से चीजें सीखूंगा और फिर अच्छे से काम करूंगा, तो वो उस तरीके से सोचता है। और एक ग्रोथ माइंड, वो फिक्स माइंडसेट वाला उसी चीज में लगा रहता है कि उसको खुद को प्रूव करना है। तो उस तरीके से अपन को अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं करना, ठीक है। थर्ड, पीपल इन अ ग्रोथ माइंडसेट डोंट जस्ट सीक चैलेंज, दे थ्राइव ऑन इट, ठीक है। चैलेंज लेते हैं और उनको अचीव करने के लिए जितनी मेहनत होती है, जितना उसमें सीखने में टाइम लगता है, चीजें सीख सकते हैं तो वो सीखने में टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक चैलेंज लिया और चीजें वैसी आती हैं, वैसे के वैसा कर दिया, हाँ देख लेंगे जो होगा सो, वो उस तरीके से नहीं रहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द ग्रोथ माइंडसेट डज अलाउ पीपल टू लव व्हाट दे आर डूइंग एंड टू कंटिन्यू टू लव इट टू इन द फेस डिफिकल्ट फेस ऑफ डिफिकल्टीज। देखो, जो लोग करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रहते हैं ना, वो जो भी वो कर रहे हैं ना, वो उसको लव करते हैं, और उसमें कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसको अचीव करने के लिए जितना सीख सकते हैं उतना कर सकते हैं, वो उतना करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, दोज विद द ग्रोथ माइंडसेट फाउंड सक्सेस इन डूइंग देयर बेस्ट इन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी फाइंड इन द चैंपियंस, ठीक है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रहते हैं ना, वो सबसे अच्छी बात क्या करते हैं कि जो भी वो करते हैं वो उससे लगाव करते हैं, ठीक है। अपने आप को कंटिन्यूअस लर्निंग, अपनी लर्निंग पर फोकस करते हैं और इम्प्रूविंग पर, अपने आप को इम्प्रूव करने पर। एंड और ये ही जो चीज, दो चीज पाई जाती है, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, हर एक चैंपियंस में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब इस बुक की हम माइंडसेट समरी पे भी जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके इसकी समरी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ोगे ना, तो बहुत सी छोटी छोटी चीजों को बहुत एलोबरेट करके समझाया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इस बुक में समझाया गया है, और वही मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो बुक में मैंने पढ़ा है उसको मैं आपको छोटी से छोटी चीजों में एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अब आगे बताते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट पे आपको इसका बता देता हूँ। चिल्ड्रन विद अ ग्रोथ माइंडसेट न्यू दैट ह्यूमन क्वालिटीज सच एज इंटेलेक्चुअल स्किल्स कुड बी कल्टीवेटेड थ्रू एफर्ट, ठीक है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा है ना, ठीक है, और तो वो उस तरीके से सीखे, मतलब उसका उसकी क्वालिटी रहती है, जो भी एक सक्सेसफुल लोगों में रहती है, स्किल्स रहती है, वे ऑफ स्पीकिंग रहता है, स्पीच देना रहता है, लोगों के सामने बोलना रहता है, या फिर कुछ भी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, या फिर क्रिकेट खेलना होता है, कुछ भी करना होता है, वो पर्टिकुलर उस फील्ड में रहता है ना, तो चीजें सीखी जाती हैं। वो मेहनत करता है, एक बार फेल होगा दोबारा से प्रयास करेगा, दो बार फेल होगा तीसरी बार प्रयास करेगा। अब वो तीसरी बार प्रयास कर रहा है ना, तो उसने दो बार देगा कि मैंने क्या गलती की, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो तीसरी बार में अप्लाई करेगा ना, तो तीसरी बार में वो सफल हुआ। तो उस तरीके से अपने आपके माइंडसेट को आगे डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली बर्थ द चिल्ड्रन विद अ ग्रोथ माइंड सेट नॉट डिस्करेज बाय फेलियर, दे डिडंट इवन थिंक दे वर फेलिंग थ्रू दे वर लर्निंग, दे थॉट दे वर लर्निंग, ठीक है। अगर कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा रहता है ना, और गलती से फेल भी हो जाता है ना, तो वो उसको फेलियर की तरह जस्टिफाई नहीं करता, अरे मैं फेल हो गया यार, क्या बताऊं, मेरी दिमाग ही खराब हो गया,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले रहते हैं ना, वो उस तरीके से सोचते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले रहते हैं ना, वो उस तरीके से लेते हैं कि वो सीख रहे थे, चीजों को सीख रहे थे, एक बार फेल हुए कोई बात नहीं, दे डेंट इवन थिंक दैट दे वर फेलिंग, दे थिंक ना बे दैट दे वर लर्निंग, वो सीख रहे थे, अरे एक बार मैंने गलती करी तो मैं उस गलती को दोबारा ना दोहराऊं, तो वो उस तरीके से सीखते हैं, ठीक है, और वो दूसरी तीसरी चौथी बार में जो भी करते हैं वो अच्छे से और बेटर तरीके से अपनी लाइफ में बेटर करते चले जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ थिंकिंग दैट योर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी इज समथिंग दैट यू कैन डेवलप, और एज अपोज्ड टू समथिंग दैट इज फिक्स्ड डीप स्कैटर्ड, ठीक है। आप देखो कोई भी क्वालिटी सीखी जा सकती है, ये एक माइंडसेट है, ठीक है, और दूसरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट कि लोग टैलेंटेड पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, तो इसको आपको अपने आप को क्लियर करना है। देखो भाई जो भी आप कर रहे हो, आप पर्टिकुलर अगर पढ़ने में आप अच्छे नहीं हो, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कोचिंग लगाओ, जिस सब्जेक्ट में आप वीक पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की कोचिंग लगाओ, उस सब्जेक्ट पे थोड़ा और एफर्ट मारो, तो चीजें आपको निकल के आएंगी, और अगर आप उस तरीके से ही सोच लेते हो कि मेरा तो मैथ खराब है, मुझसे मैथ होता ही नहीं है, और मैथ मैथ में फेल ही हो जाऊंगा, तो उस तरीके से सोचोगे ना तो चीजें आपके ऊपर के वैसे नहीं आएंगी, ठीक है। जिसकी अगर आप देखो जो रूरल एरिया से रहते हैं, जो छोटे छोटे गांव से लोग बिलोंग रहते हैं, बस मैं इंग्लिश का इतना आपको पिच नहीं करता, बट जो रूरल रूरल एरिया से लोग रहते हैं ना, वो इंग्लिश को एक बहुत टफ चैलेंज समझते हैं, अरे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजों की लैंग्वेज है, और हमसे तो ही नहीं पता, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो वो अपने अपने माइंड को फिक्स्ड कर लेते हैं, इंग्लिश बहुत आसान सा भाषा है, और आप 3 महीने लग के देते तो 3 से 6 महीने भाई साहब इंग्लिश ऐसी फर्राटेदार आप बोलोगे, इतनी एक्स फ्लुएंसी से आप इंग्लिश बोलोगे। सो डोंट फियर, डोंट लिमिट योर माइंड सेट दैट इंग्लिश इज अ टफ लैंग्वेज, दैट यू कैन नॉट, दैट यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम एंड दैट यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, तो उस माइंडसेट को आप छोड़ो, आप मेहनत करोगे, सीखोगे, चीजों को अप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। तो उस तरीके से अपने आप को एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा नहीं रखना है, ठीक है। रॉबर्ट स्टेनबर्ग कहते हैं द प्रीसेट डे गुरु ऑफ इंटेलिजेंस राइट्स दैट द मेजर फैक्टर इन वेदर पीपल अचीव एक्सपर्टीज इज नॉट सम फिक्स्ड प्रियर एबिलिटी बट पर्पसफुल एंगेजमेंट। समझे इस बात को, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक जो समझदार व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुका है, मैं एक अलग एग्जांपल से बता रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में एक्सपर्ट बन चुका है, वो ऐसा नहीं कि उसका फिक्स माइंडसेट था उसके कारण हो गया, वो जब बचपन से टैलेंटेड था इस कारण से हो गए, नहीं, वो पर्पसफुल एंगेजमेंट, प्रॉपर एंगेजमेंट करके चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ा है, उस कारण से हुआ है, ठीक है। वो देखो आप, जे हमारी कैरोल ड्वेक जो ऑथर है वो बोल रही, वो 20 ईयर्स रिसर्च, इनकी रिसर्च शो की है द व्यू यू एडॉप्ट फॉर योर सेल्फ प्रोफाउंडली इफेक्ट्स हाउ यू लीड योर लाइफ, ठीक है। जिस तरीके से आप आपके जीवन जीते हो, उस तरीके से वो आपका जिस तरीके से जीवन को आप देखते हो, जीते हो, उस तरीके से आप आपकी लाइफ को लीड करते जाते हो। अगर आप उसको एक फिक्स्ड माइंडसेट में देख रहे हो ना, तो आप फिक्स तरीके से चीजों को सेट करते चले जाते हो, तो वो आपको देखना है, ठीक है। आपको हमेशा उस तरीके से आपको नहीं जीना, ठीक है, लाइफ में परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना, सीधी सी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलीविंग दैट योर क्वालिटीज आर कार्ड इन स्टोन द फिक्स्ड माइंडसेट क्रिएट एन अर्जेंसी टू प्रूव योर सेल्फ ओवर एंड ओवर, जो मैंने आपको पहले बताया, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि बचपन से जब हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और हम टैलेंटेड नहीं है तो हम टैलेंटेड नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उस तरीके से उनका सोचना रहता है, तो उस सोचने को आपको नहीं करना है, उस तरीके के लोगों के फिक्स्ड माइंडसेट में जाना ही नहीं है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रोथ माइंडसेट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट योर बेसिक क्वालिटीज आर थिंग्स यू कैन कल्टिवेट थ्रू द एफर्ट्स, ठीक है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रहते हैं ना, वो हमेशा बिलीव करते हैं जो भी क्वालिटीज है एक बंदे में, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, स्पीच देना है, इंग्लिश है, या पर कुछ भी है, बिजनेस रिलेटेड चीज है,
बिजनेस से रिलेटेड थिंग्स हैं वो सीखी जा सकती हैं। यार एक कंटेंट क्रिएटर है वो यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, एक एडिटर है वो एडिटिंग कर रहा है, एक ग्राफिक डिजाइनर है वो बार बार सीख के करेगा ना, तो अपने आप को एफर्ट लगा के उन चीजों को सीखा जा सकता है। ऑल्दो मे डिफर इन एवरी वे, हर एक तरीके से हर एक बंदे को टाइम लगता है, ठीक है। कोई उस चीज को 30 मिनट में सीख रहा है तो कोई बंदा उसको 2.5 घंटे भी लेगा। कोई पर्टिकुलर बंदा 1 महीने में वीडियो एडिटिंग अच्छी सीख रहा है, उस किसी बंदे को 6 महीने भी लगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को 6 महीने क्यों लग रहा है। अब मेरे को अगर 3 महीने में उस चीज को अचीव कर पा रहा हूँ और किसी ने 1 महीने में कर लिया, जी हर एक बंदे के इंटरेस्ट उसकी एबिलिटी और उसकी देखने के तरीके पर डिपेंड रहता है वो कितना एफर्ट डाल रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। एवरी वन कैन चेंज एंड ग्रो थ्रू एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। हर बंदा अपने समय के कारण जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी जितनी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग सीखता जाता है, ठीक है। एक बार आप सीखना चालू करोगे ना, जिस चीज को आपको 6 महीने अचीव करने में लग रहा है ना, तो अगले 3 महीने में उसको एक्सपर्टीज हासिल करने में, बेसिक चीज सीख चुके हो आप, तो आपको उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने में 3 महीने और लगे, ठीक है। उस तरीके से आपको लेना चालू हुआ। व्हाई वेस्ट टाइम इन प्रूविंग ओवर एंड ओवर हाउ ग्रेट यू आर व्हेन यू कुड बी गेटिंग बेटर। ठीक है। तो अब मैं बताऊं अपना समय क्यों बर्बाद करना लोगों को प्रूव करने के लिए कि आप महान हो, आप ग्रेट हो, आप बेस्ट हो, क्यों? जहां की अपन अपने आप को बेटर बनाने में समय दे सकते हैं और अपने आप को बेटर बना सकते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ एंड स्टिकिंग टू इट इवन और स्पेशली व्हेन इट्स नॉट गोइंग वेल इज द हॉलमार्क ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। जब आपकी जीवन में चीज आपके परिकल्पना से रिगार्डिंग नहीं चल रही हो, थोड़ा आपको और खींचना पड़ रहा हो आप चीजों को, और चीजें स्पेशली आपकी कंडीशन में नहीं चल रही हो, और चीजें समझदारी के मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता था, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है, और आप फिर भी लगे हो उस चीज को करने में, तो ये ग्रोथ माइंडसेट का बे है, ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे का, ठीक है। अभी चीजें बेटर नहीं है, आगे चल के हो जाएगी, ठीक है। द फिक्स्ड माइंडसेट मेक्स यू कंसर्न विद हाउ यू विल बी जस्ट, द ग्रोथ माइंडसेट मेक यू कंसर्न विद इम्प्रूविंग। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा हमेशा ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा रहता है ना, वो हमेशा उस तरीके से सोचता है। किस तरीके से सोचता है? अपने आप को बेटर बनाने में, ठीक है। व्हेन यू एंटर अ माइंडसेट यू एंटर अ न्यू वर्ल्ड, व्हेन यू एंटर अ माइंडसेट यू एंटर न्यू वर्ल्ड। इन वन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ फिक्स्ड ट्रेड्स सक्सेस इज अबाउट प्रूविंग यू आर स्मार्ट और टैलेंटेड वैलिडेटिंग योर सेल्फ इन अदर, ठीक है। एक फिक्स माइंडसेट में जब आप एंटर करते हो ना, तो आप अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हो कि आप सक्सेसफुल हो, आप टैलेंटेड हो, आप स्मार्ट हो, और लोगों की मतलब जजमेंट लोगों से वैलिडेट करवाते हो, लोगों से सुनना चाहते हो कि आप समझदार हो। जब जहाँ की एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा रहता है ना, वो अबाउट स्ट्रेचिंग, अपने आप को बेटर बनाने में, इम्प्रूव बनाने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को डेवलप करने में लगा रहता है। एक बेंजामिन बार बार ऑथर है, एन एमिनेट सोशियोलॉजिस्ट, वन सेड आई डोंट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द वीक एंड स्ट्रॉन्ग, मैं लोगों को विभाजित नहीं करता लोगों को कमजोर कमजोर और बहादुर में, मैं उनको डिवाइड करता हूँ। सक्सेस और फेलियर पे भी मैं डिवाइड नहीं करता। आई डिवाइड द वर्ल्ड इन लर्नर लर्नर्स एंड नॉन लर्नर, मैं दुनिया को विभाजित कर सकता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड को विभाजित करता हूँ सिर्फ दो चीजों में, एक जो सीखते हैं और एक जो नहीं सीखते हैं। और जो नहीं सीखते हैं वो भाई आज से आज जो वहां पे हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद थोड़े बहुत आगे मिलेंगे आपको, या फिर उसी सिचुएशन में या उससे बुरी सिचुएशन में मिल जाएंगे जो नहीं सीखते हैं। और जो सीखते हैं अपनी लाइफ में, आज से 5 से 10 साल बाद आप उनको वहां पे देखोगे जो कहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर करेंगे क्योंकि वो चीजों को सीखते और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीपल इन अ ग्रोथ माइंड सेट डोंट जस्ट सीक चैलेंजेस, दे थ्राइव ऑन इट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। बी गिव फिफ्थ ग्रेडर्स इंटरव्यूइंग पजल्स विच दे आर ऑल लव्ड,
बट वेन वी मेड देम हार्डर चिल्ड्रन विद द एक्सपेंशन ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, जो ऑथर है उन्होंने 5th क्लास के बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, और पजल दिए। एक में लोगों को बिठाया और पजल दिए, ठीक है, और मतलब एक 5th क्लास की लोगों के 5th क्लास के बच्चों को पजल दिए गए, ठीक है, और उनसे बोला कि सॉल्व करो, उन्होंने सॉल्व किए, ठीक है, और एक ग्रुप से बोला गया कि आप बेटर कर रहे हो और आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, और सेकंड ग्रुप से बोला मतलब कुछ उनसे कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग थे ना उनसे उनको थोड़ा मोटिवेट किया गया था कि आप और वेल कर सकते हो, और वो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे और वो उन चैलेंजेस को एक वे में ले रहे थे कि हम सीख रहे हैं, और वो उनसे भले ही सॉल्व नहीं हो रहा था वो उसको ऐसा चैलेंज की तरह ले रहे थे और उसको सॉल्व करने में लगा रहे थे। वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, एक बार फेल हुए दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार फेल हुए तीसरी बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, पांचवी बार गलती हुई, छठवीं बार में सॉल्व कर दिया ग्रोथ माइंड सेट वाले ने। और फिक्स्ड माइंड सेट वाले ने, सर मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो इस बात को, रखो, हमने मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं गधा हूँ, मतलब वो अपने माइंड सेट में, वो अपनी गलती, और जो ग्रोथ माइंड सेट वाले थे जहाँ पे गलती कर रहे थे वो तुरंत अपने टीचर से पूछ रहे थे, और बल्कि जो फिक्स्ड माइंड सेट वाले थे अब वो गलती दिखाने में भी डर रहे थे कि अरे मैं अगर मैं अभी मैंने ये गलती हो गई मुझसे, अभी सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सर मुझको डांटेंगे भी, तो वो उस तरीके से रहता है, ठीक है। बिकमिंग अ बेटर देन बींग द फिक्स्ड माइंड सेट डज नॉट अलाउ द पीपल लग्जरी ऑफ बिकमिंग, दे हैव टू ऑलरेडी बी। वो हमेशा लोगों को बताने में लगे रहते हैं कि वो कुछ आगे बनना नहीं चाहते, जो हैं वो लोगों को बड़ा चढ़ा आगे बताने में, प्रूव करने में लगे रहते हैं, ठीक है। पीपल विद द ग्रोथ माइंड सेट नो दैट इट टेक्स टाइम टू पोटेंशियल टू फॉलोअर, ठीक है, एक टाइम लगता है अपने आप को एक समझदार व्यक्ति बनाने में, एक समय लगता है एक फूल को खिलने में, एक समय लगता है चीजों को बनने में, तो वो उस तरीके से रहते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट एलिमेंट बोला था, किया था हमारी ऑथर ने, कैरल ड्वेक ने, कॉलेज स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग पुअरली ऑन अ टेस्ट वर गिवन अ चांस टू एट द टेस्ट फॉर ऑफ अदर स्टूडेंट, दोज इन द ग्रोथ माइंडसेट लुक्ड एट द टेस्ट ऑफ द पीपल हु हैड डन फॉर बेटर देन दिस हैड, एज यूजुअल दे वांटेड टू करेक्ट देयर डेफिशिएंसी, बट स्टूडेंट इन द फिक्स्ड माइंडसेट चूज टू लुक एट द टेस्ट ऑफ द पीपल हु हैड डन रियली पुअरली, दैट वॉज देयर वे ऑफ फीलिंग बेटर अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। एक ग्रोथ माइंड सेट वाले बंदे को और उनको जो फिक्स माइंड सेट वाले बंदों को, दोनों को पेपर दिए गए, जो उन्होंने पेपर दिया था उसको पेपर दिए गए, उनको वापस से दूसरे लोगों ने पेपर किया था ना उनकी कॉपी से उनको दी गई। अब जो ग्रोथ माइंड सेट वाले थे उन्होंने देखा कि मैंने यहाँ पे गलती की और मैं इसको और अच्छे तरीके से मेरे पेपर में कर सकता था, और उन्होंने सेकेंड एक पेपर दिया तब अच्छे तरीके से किया, बल्कि जहाँ फिक्स माइंड सेट वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि उन्होंने उन लोगों की कॉपी देखी, उनसे खराब किया था और अपने आप के बारे में बेटर फील किया, तो ये किया उन्होंने, ठीक है। तो वी हैव टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। जॉन वुडन द लेजेंडरी बास्केटबॉल कोच सेज यू आर नॉट अ फेलियर अंटिल यू स्टार्ट टू ब्लेम, व्हाट ही मींस इज दैट यू कैन स्टिल बी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक अंटिल यू डिनाय देम, ठीक है। एक जो जॉन बिलियन है, एक लेजेंडरी जॉन वुडन है, एक लेजेंडरी फुटबॉलर के कोच थे, ठीक है। जब तक आप फेलियर नहीं हो तब तक आप ब्लेम नहीं कर रहे किसी चीज को, आप एक फेलियर नहीं हो जब तक आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहे या अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा है, मैं असफल रहा, मैं सफल असफल रहा किसके कारण, मेरे पेरेंट्स के कारण, मैं इस कारण उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस कारण से नंबर नहीं ला पाया, मेरे टीचर ही खराब थे, मेरे आसपास की सराउंडिंग ही खराब थी, उस कारण से मैं चीजें नहीं कर पाया, तो ऐसा रहता है। जब तक आपको अपनी मिस्टेक को डिनाई कर रहे हो ना कि मैंने मिस्टेक करी नहीं है, वो दूसरी की वजह से मिस्टेक हुई है, तब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते आप। फ्रेंच एग्जीक्यूटिव पियर चार्ल्स बोलते हैं, वी आर नॉट अ नेशन ऑफ एफर्ट आफ्टर ऑल, इफ यू हैव अ सेवियर फियर, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ यू नो हाउ डू अ गोल, यू डू थिंग्स एफर्टलेसली, ठीक है, जब तक आपको पता नहीं चलता आप एफर्टलेसली चीज करते हो,
ठीक है, पीपल विद अ ग्रोथ माइंड सेट हाउएवर बिलीविंग समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, इवन जीनियस हैव टू वर्क हार्ड फॉर देयर अचीवमेंट। ठीक है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा रहता है ना, वो हमेशा उस तरीके से अपनी चीजों को देखता है कि वो कैसे चीजों को बेटर कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, लाइट चलिए, अभी मैं गाँव पर हूँ, तो अपन थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोस्त विद द ग्रोथ माइंड सेट फाउंड सक्सेस इन डूइंग द बेस्ट इन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एंड दिस एग्जैक्टली वी फाइंड इन द चैंपियन। ठीक है, ये ग्रोथ माइंड सेट वाला बंदा रहता है ना, वो हमेशा लर्निंग और सीखने पे और अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम देता है, और जे चीजें हम चैंपियन में फाइंड करते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो लर्निंग और इम्प्रूविंग पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। दोस्त विद द ग्रोथ माइंड सेट फाउंड सेटबैक्स, फेल होते हैं वो, दे आर इन्फॉर्मेटेड, दे आर वॉकअप कॉल्स। ठीक है, वो फेल होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव गलती करते हैं, और अपने जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो वो उनसे ऐसा नहीं कहते कि अरे अब हो गया मेरे जीवन में, अब इससे आगे कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, वो अपने आप को गेटअप करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, चीजों को एक नई तरीके से लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, पीपल विद द ग्रोथ माइंड सेट इन ए स्पोर्ट एस टोक चार्ज ऑफ द प्रोसेस एंड दैट ब्रिंग सक्सेस एंड दैट मेंटेन। ठीक है, जो ग्रोथ माइंड सेट वाले बंदे रहते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं कि अपन जो भी वो चीज कर रहे होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, वो एक चैलेंज लेते हैं, दे टेक द चार्ज ऑफ देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं और उन चीजों को उस वे में करना चालू कर देते हैं जिस तरीके से वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम कल दोबारा से एक नई बुक लाएंगे, नई बुक के बारे में समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक पुरानी 7 वीडियो नहीं देखी, प्रॉपर देखिए, और आप कौन से बुक पर समरी चाहते हो वो आप बताइए, उस बुक पे हम समरी बनाते हैं। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।